सनातन धर्म संस्कृति में गाय को पवित्र माना जाता है। गाय के बारे में आपने बहुत सुना होगा। गाय की लोग पूजा आराधना करते हैं। गाय के गोबर के अलावा गाय का दूध भी बहुत पवित्र होता है। लेकिन रामनगरी अयोध्या की एक ऐसी गाय के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसको जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा होगा कि बिना गर्भधारण किए कोई गाय कैसे दूध दे सकती है? लेकिन रामनगरी अयोध्या में ऐसा हुआ है। तो चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। दरअसल रामनगरी अयोध्या से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रभात नगर के पास एक गांव है जिसका नाम शुक्लपुरा है, जहां इंजीनियर मानवेंद्र शुक्ला का घर है। उनके घर पर बीते 13 दिसंबर 2005 को एक गाय का जन्म हुआ जिसका नाम कामधेनु रखा गया। परिजनों के साथ रहने वाली यह गाय जुलाई 2009 में बिना गर्भ धारण किए दूध देना शुरू की। हालांकि परिवारजनों के मुताबिक यह गाय लगभग 10 वर्षों से प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती थी। क्षेत्रवासियों में यह गाय चर्चा का विषय बनी। इतना ही नहीं, 28 अगस्त 2022 में जब गाय की मृत्यु हुई तो पूरा गांव शोक में डूब गया। वहीं बीते दिनों गाँव के लोगों ने कामधेनु गाय के जन्मदिन के अवसर पर गाय की समाधि स्थल बना डाली जहां धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। जानिए क्या कुछ कहा कामधेनु गाय के परिजनों ने। वह हमारे यहाँ 13 दिसंबर के दिन 2005 में पैदा हुई थी। इस टाइम मैं 10th क्लास में था और उस टाइम ये हमारे यहाँ पे पैदा हुई और बोलो बोलो रोक दो थोड़ा सा बताइए। और ये हमको अपने बच्चे जैसा मानती थी हमको अपने, और जैसे कोई माँ अपने बच्चों को मानती है वैसे ही हमको मानती थी। और लगातार ये दूध दी है, 2009 से लेके 2022 तक दूध दिया इसने, और 27 अगस्त तक इसने दूध दिया है और 28 अगस्त को इसकी डेथ हो गई। और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये जानवर है या एक, मुझे ऐसा ही लगा कि कोई इंसान है जो मुझको इतना प्यार करता है कि मैं कभी कहीं जाता था तो वो बिना मिले नहीं जाता पाता था, और आने में भी सबसे पहले मुझे इससे मिलना पड़ता था। इतना ज़्यादा प्यार करती थी मुझको। क्षेत्र के लोग और बहुत लोग आशीर्वाद देने आते थे इनका। बहुत सारे लोग आते थे, उनका तो भाव होता था कि गौ माता है या एक अलग भाव होता था, लेकिन मेरे लिए तो ये भाव था कि मुझे इतना ज़्यादा कोई प्यार नहीं किया होगा जितना इसने मुझे प्यार किया। क्या नाम है? जन्मदिन के समाज यहाँ पे स्थापना हुई है। अब हम लोग हर 13 अगस्त को इसका जन्मदिन मनाते थे, लेकिन इस बार ये नहीं थी तो हमने कहा ये आखिरी जन्मदिन है तो एक मूर्ति के रूप में जहाँ यहीं पे हमने इनको यहीं पे समाधि स्थल बनाया हुआ है, और आगे से तो 28 अगस्त को इनका जिस दिन मृत्यु हुई है वो दिवस मनाएंगे। ठीक है। ये हमारे घर के जन्मित तो ये जो बछिया थी और इसको बड़े लाडले से पाला हम लोगों ने, और उसके बाद में ये जो है 2005 में इसका जन्म हुआ। क्या खासियत थी? खासियत इसकी ये थी कि 2009 से 10 जुलाई 2009 से ये बिना बच्चा दिए और न जीवन में कभी गाभिन हुई, ये नेचुरल दूध देना शुरू कर दिया और ये 2 लीटर तक दूध इसने दिया लगातार। और जो भी चीज़ होता है सिलेक्टेड चीज़ खाती थी, जैसे ऐसे कोई चीज़ जूठा कूठा किसी का नहीं खाती थी, ये जो भी खाती थी बहुत सूझबूझ से खाती थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक मतलब 28 अगस्त को इसकी डेथ हुई है, और उस डेथ के समझिए कि 27 अगस्त तक इसने दूध दिया है। सेंसिटिव इतनी थी कि ये मतलब समझिए कि कोई भी चीज़ हमारे गांव में हमारे तरफ इधर कहीं होता था इसको खुर से आहट हो जाती थी और खड़ी हो जाती थी और दहाड़ लगाती थी बहुत तेज, मतलब समझिए कि ये हमारे घर की गार्जियन थी जी। इसका जो है इसका जन्मदिन है 13 दिसंबर, तो आज इसकी हम लोग जो है इसकी स्थापना कर दिए हैं, इसकी समाधि बनवा दिए हैं कि जो है आने वाले समय में जो हमारे और आगे वंशज होंगे उनके लिए यादगार रहेगा और वो कम से कम एक वो रहेगा इसका स्थान।